हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं सर्कल के, कि आपको थोड़ी सी एक दो इक्वेशंस अगर सर्कल की याद हो तो आप उनके क्वेश्चंस बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, सर्कल की इक्वेशंस यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सर्कल की जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इक्वेशंस जो है सर्कल की, उनमें दो तीन टाइप की इक्वेशंस होती हैं। देखिए, सर्कल आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, क्या होता है कि एक इस तरीके से हमने बनाया हुआ है और इस पॉइंट के अराउंड, ये इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये इसका सपोज सेंटर है। सेंटर को मान लीजिए हम H और K से रिप्रेजेंट करते हैं, C से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, H और K इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं PXY। ठीक है, तो ये सर्कल बनता कैसे है, ये अलग अलग पॉइंट होते हैं सेम रेडियस पे, सेम डिस्टेंस पे, तो ये पूरा जो सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है उससे आपका सर्कल बनता है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है, जैसे मैंने यही सर्कल यहां पे बनाया हुआ है, तो इसकी जो सबसे पहली इक्वेशन होती है इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक जनरल इसकी, मतलब जनरल इक्वेशन नहीं है, एक नॉर्मल इक्वेशन इसकी होती है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें देखिए, अगर मान लीजिए कि h और k अपनी कुछ फाइनाइट इनकी वैल्यू, अगर मान लीजिए h और k अगर जीरो हो जाए, h इक्वल टू जीरो हो और k इक्वल टू जीरो हो, तो जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक एच जीरो है, के जीरो है, मतलब इसका सेंटर जीरो जीरो पे है, इसका मतलब सेंटर इसका जीरो जीरो है, इसका मतलब ये कहां लाई कर रहा है, ये यहां आपका ओरिजिन पे इसका सेंटर लाई कर रहा है, एच और के की वैल्यू जीरो होने का ये मतलब है। रेडियस अभी भी इसकी कितनी है, आर ही है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, मान लीजिए एक सर्कल है मेरे पास, उस सर्कल के जो आप उसका जो डायमीटर है, मुझे उसके डायमीटर के पॉइंट्स गिवन है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है आपका, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स वन बाय वन से, दूसरा पॉइंट बी है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स टू बाय टू से। तो एक ऐसा सर्कल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो, क्या गिवन हो, सर्कल यहां पे लिख देता हूं मैं, सर्कल होज डायमीटर्स एंड पॉइंट्स आर गिवन, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसकी जो इक्वेशन बनेगी, ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ऐसे सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस बाय माइनस वाई वन इंटू बाय माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी ये इक्वेशन सर्कल की बन जाएगी। तो देखिए, इतने पॉइंट है। अब देखिए, ये जो आपका इक्वेशन है, इस पे ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर 2016 में। 2017 में सर्कल का शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2016 में सर्कल से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन था कि एक सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन बाय माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सेंटर पूछा है कि इसका जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा। तो देखिए, हमने अभी क्या देखा, ये सर्कल की जो इक्वेशन है, ये कौन से सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर है तो वो बिल्कुल उसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट क्या रहेगा आपका। देखिए, डायमीटर इसके क्या बन जाएंगे, एक एक्स वन बाय वन बन जाएगा, एक बन जाएगा एक्स टू वाई टू, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं। अब देखिए, यहां पे आपसे सेंटर पूछा है, यहां पे आपका इसका डायमीटर भी पूछ सकते हैं आपसे इसका डायमीटर पूछ सकते हैं। यहां पे x1 और x2 by 1 और by 2 के फॉर्म में दिया है, कुछ इस तरीके से दे दें कि x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बाय माइनस टू और बाय माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इस सर्कल का डायमीटर बताओ, इस सर्कल की रेडियस भी आपसे पूछी जा सकती है, ये सारे पॉइंट यहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेंटर तो आपसे इसका पूछा ही जा सकता है। तो देखिए, सेंटर अपने को बताया कि जो डायमीटर है, तो डायमीटर यहां से सेंटर से पास होता है और इसका डायमीटर जो सेंटर होता है सर्कल का वो इसका मिड पॉइंट होता है, मतलब ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, इसलिए तो हम इसको टोटल क्या बोलते हैं, टू आर। और जो यहां पे अगर अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये जस्ट अपने को पता है कि जो m और n रेशो में पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं अपन इससे, तो m और n से अपन इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि m और n की वैल्यू क्या है, वन इज टू वन,
मतलब ये जो रेशो है वो क्या है, 1:1, क्योंकि ये दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट को हम सपोज पी मान लेते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। ये अपने पास x1 by 1 दिया, ये अपने को x2 by 2 दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है, आपका होता है m x2 + n x1 / m + n। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m by 2 + n by 1 / m + n। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। m और n की वैल्यू क्या है, 1:1 का रेशो है, तो ये हो जाएगा आपका x2 + x1 / 2, और ये बन जाएगा आपका by 2 + by 1 / 2। ये सिंपल सा बन जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब आपसे यहां से डायमीटर भी पूछा जा सकता है, रेडियस भी पूछी जा सकती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम सर्कल की इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम सर्कल की जनरल इक्वेशन। और देखिए जनरल इक्वेशन जो है हमारी उसमें इस तरीके से रहती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन जो है, सर्कल जनरल इक्वेशन इसमें क्या है, x² + y² प्लस, इसको याद रखना है अपने को, 2gx + 2fy + c = 0। और यहां पे जो सर्कल है इसका जो सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर होगा वो क्या होगा, -g - f। देखिए यहां पे साइन का आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, साइन में कई बार कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और गलत होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि आप जो गलत कर रहे होते हैं उसका ऑप्शन अपने को अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है सर्कल की, रेडियस इस पर्टिकुलर सर्कल की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी g² + f² - c² √। ये इतना सा अपने को इसमें याद रखना है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, मैं क्वेश्चन लेता हूं एक कि x² + y² - 6x + 4y - 36 = 0। तो यहां से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन से आप कंपैरिजन करोगे तो 2g = क्या आ जाएगा, -6। तो यहां से g की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -3। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसका कंपैरिजन 2f से कर देता हूं तो 2f = क्या आ जाएगा, 4। तो f = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर होगा -g - f। तो g ऑलरेडी माइनस में है आपका, यहां पे भी माइनस आपको लगाना, तो क्या हो जाएगा 3, और यहां पे f प्लस में है तो ये हो जाएगा -2। तो 3 - 2 इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। रेडियस निकालनी है तो रेडियस क्या होती है आपकी, रेडियस हो जाती है g² तो g की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 का -3 का स्क्वायर 9 होता है। f का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। -c की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 36 दी हुई है, तो माइनस में ही ऑलरेडी ये दे रखा है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, +36 कर देंगे। तो इससे हम इस सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगी 49 √ में, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 7 आ जाएगी। देखिए अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, बन जाएगा आपसे 3x² + 3y² + 12x - 18 / -11 = 0। एक क्वेश्चन दे रखी है, इसमें आपसे पूछा कि सर्कल का सेंटर क्या है या रेडियस क्या है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, 12 है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां 3 है, यहां 3 है, मतलब आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहां पे क्या बचेगा x², यहां पर क्या बचेगा y², इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 4x, इसको डिवाइड करोगे तो 6y, और यहां पे क्या हो जाएगा 11/3 = 0। नाउ अब ये आपका जनरल फॉर्म इसका आ गया है। अब आप इसमें से -g - f और रेडियस का जो फॉर्मूला है उससे रेडियस यहां से आप निकाल सकते हो, g² + f² - c। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था 2016 में व्यापम का, वो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, सर्कल का क्वेश्चन था, इक्वेशन दी हुई है इसमें, ये 2016 का जो 8 सितंबर का पेपर था उसका दूसरा क्वेश्चन था मैथ का, ये था x² + y² - 18x + 12y + k = 0। इसकी ये सर्कल की इक्वेशन है, ये दिया हुआ है कि इफ सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 11 है, इसकी रेडियस हमें गिवन है, तब ये पूछ रहे हैं कि तब k की वैल्यू क्या होगी, मतलब अपने को r गिवन है तब अपन से k की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए k की वैल्यू किस फॉर्मूले में इन्वॉल्व होती है, r के फॉर्मूले इन्वॉल्व होती है, r = क्या होता है, g² + f² - c।
ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जो आपका सी हो रहा है इसका अंडर रूट होता है, तो हम क्या करते हैं इसको अंडर रूट की जगह यहां पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो आर स्क्वायर यहां पे लिखते हैं मतलब 11 का स्क्वायर लिखते हैं। अच्छा जी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2g इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने को -18, और 2f इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने को 12, तो g इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा -9, और f इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 का स्क्वायर 81, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, और c जो है आपका वो कितना गिवन है माइनस के, तो यहां पे क्या हो जाएगा 121, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ तो 81 और 36 से कितना हो जाएगा आपका 117 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के, तो यहां से के की वैल्यू आप निकालोगे तो 117 और 4, तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी -4, ठीक, और ये आपका ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से आप के की वैल्यू फाइंड आउट यहां से कर सकते हो। तो बस ये दो क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछे गए थे, इसके अलावा सर्कल का और कोई क्वेश्चन अभी आपसे नहीं पूछा गया, लास्ट ईयर भी कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा सर्कल, इतने ही जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उतने में आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा अपने को और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, व्यापम आप आराम से इसमें से कवर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।